देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे यहाँ के लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर जम्मू के लोगों को इसका ज़्यादा जो एडवर्स फॉलोआउट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ टोल प्लाजाज खोले गए, टोल टैक्स लगाकर लोगों की जेबों के ऊपर एक डाका डाला गया, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, और ऐसे वक्त पे लगाया जा रहा है जबकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ का टूरिज़्म जो है वो पहले से फेल हो चुका है, इंडस्ट्री नहीं यहाँ चल रही है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुए हैं, ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुए हैं, आम जो बिजनेसमैन है 4G ना होने की वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, बेरोज़गारी यहाँ चरम सीमा ऊपर है, और ऐसे माहौल में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना सरासर जो है एक अन्याय है, एक बहुत बड़ी ज्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, जिसकी पैंथर्स पार्टी जो है वो सख्त मुजम्मत भी करती है, और आज भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाकर यहाँ लोगों के अंदर जो गुस्सा देखने को मिल रहा है उसका इजहार हमने किया है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक कानून थोप रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये कानून जो है यहाँ के लेजिस्लेचर को बनाया जाना चाहिए था, और यहाँ की असेंबली ने 2011 में यह फैसला लिया था कि यह अभी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, रियासत एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सारी जो है मसले हैं यहाँ के उनको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया है इससे लोगों में बहुत गुस्सा है। रेजिडेंशियल हाउसेस के ऊपर टैक्स लगेगा, कमर्शियल हाउसेस के, यहाँ तक कि म्यूनसिपल एरियाज़ में जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, और हर 3 साल के बाद इस टैक्स को रिव्यू किया जाएगा और 10% जो है इसमें इजाफा किया जाएगा। ये सरासर गलत है और पैंथर्स पार्टी ये कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं।